हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बात करनी है हमें कश्मीर की इकॉनमी के बारे में, कश्मीर के जीडीपी के बारे में और डिफरेंट सेक्टर जो हमारी इकॉनमी को बूस्ट करते हैं और हमारी इकॉनमी में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो एज यूजुअल वीडियो अंत तक देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जम्मू कश्मीर के जीडीपी की बात करें तो अभी हमारा जीडीपी है 1.76 लाख करोड़ रुपीज का और 25 बिलियन US डॉलर्स का हमारा स्टेट का जीडीपी है, जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर का मेजर रोल है। बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर एरिया की। इंडस्ट्री सेक्टर एरिया जो 27.8% हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। कुछ मेजर इंडस्ट्रीज जो हमारे जम्मू कश्मीर में है वो है सीमेंट इंडस्ट्रीज, सिल्क इंडस्ट्रीज, वुलन इंडस्ट्रीज, हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज और कश्मीरी विलो बैट इंडस्ट्री जो हमें वर्ल्ड फेमस बनाती है। और कुछ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एरियाज भी हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जैसे रंगरेट में हुआ, खनमो एरिया में हुआ, बारी ब्रह्मन जम्मू के अंदर हुआ। तो ये सब भी कश्मीर में इंडस्ट्रियल सेक्टर को थोड़ा बूस्टअप करते हैं। ये सब होते हुए भी कश्मीर में इंडस्ट्रियल सेक्टर अभी उतना डेवलप नहीं है, क्योंकि माउंटेन एरिया काफी ज्यादा है जम्मू कश्मीर के अंदर और पावर शॉर्टेज भी बहुत ज्यादा है जम्मू कश्मीर के अंदर। बात करते हैं अब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की। एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि 16% हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। और कुछ जो मेजर क्रॉप जो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं वो है राइस, व्हीट, कॉर्न एंड सम पल्सेस, एंड बासमत के लिए भी जम्मू कश्मीर थोड़ा सा फेमस है। और कश्मीरी सैफ्रॉन के लिए जम्मू कश्मीर वर्ल्ड फेमस है। सैफ्रॉन टाउन ऑफ कश्मीर पांपोर का कहते हैं और राइस बॉल ऑफ कश्मीर आधी जगह पुलवामा लिखा है और आधी जगह पे कुलगाम लिखा है। बात करते हैं अब हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर की। हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो कि 8% हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है और कश्मीर को वर्ल्ड फेमस हॉर्टिकल्चर की वजह से ही माना जाता है। हमारे कश्मीरी एप्पल्स आर वर्ल्ड फेमस एंड कश्मीरी पीच, कश्मीरी वॉलनट्स, कश्मीरी एप्रिकॉट्स दे आर वर्ल्ड फेमस, इंक्लूडिंग कश्मीरी आलमंड्स टू, जो कि कश्मीर को बारी बरकम का एक्सपोर्ट कराते हैं और बारी बरकम का रेवेन्यू देते हैं ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपीज का पर ईयर। अरे कहना क्या चाहते हो? सोपोर टाउन जिसको एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, वहाँ एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी पाई जाती है और वहाँ पे वर्ल्ड फेमस एप्पल्स भी पाए जाते हैं। बात करते हैं हम टूरिज्म सेक्टर की। टूरिज्म सेक्टर जो कि एक इकोनॉमिकल बूस्ट हो सकता है जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन अनस्टेबल कंडीशंस की वजह से कभी यहाँ पे उस लेवल का टूरिज्म हुआ नहीं, जिसकी वजह से टूरिज्म सेक्टर 6.98% हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। 1989 से पहले टूरिज्म सेक्टर इससे बेटर कर रहा था, लेकिन अभी बहुत कम कर रहा है। एक छोटा सा डेटा जो 2019 का है कि कितने टूरिस्ट यहाँ विजिट किए, फॉरेन टूरिस्ट जो कश्मीर जम्मू कश्मीर विजिट किए वो है 57,920 फॉरेन टूरिस्ट कश्मीर आए, और जो डोमेस्टिक टूरिस्ट वो जितने कश्मीर में आए वो है 16.16 मिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट कश्मीर आए। बात करते हैं पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। प्रेजेंटली जम्मू कश्मीर 3,443.07 मेगावाट्स पावर प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें से सेंटर 1,831.36 मेगावाट्स खुद यूटिलाइज कर रहा है सेंटर, और स्टेट खुद यूज कर रही है 1,535.98 मेगावाट्स खुद स्टेट यूज कर रही है, और 75.73 मेगावाट्स प्राइवेट हो चुका। बात करते हैं हम एक्सपोर्ट एज अ स्टेट कितना करते हैं, एज अ यूटी हम एक्सपोर्ट कितना करते हैं। तो 2019 फिस्कल ईयर में हमने एक्सपोर्ट किया था 188.18 मिलियन US डॉलर्स का हमने एक्सपोर्ट किया था, और इन फिस्कल ईयर 2021 में हमने एक्सपोर्ट किया था 125.65 मिलियन US डॉलर्स का हमने एक्सपोर्ट किया है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक्चुअली मैंने बहुत जगह यूटी की जगह स्टेट बोला है, अभी नई नई यूटी बनी है तो बहुत जगह गलत होता है, कन्फ्यूजन होता है कि क्योंकि आदत नहीं है हमें यूटी बोलने की, तो उसके लिए सॉरी। तो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं एज अख्तर07 और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं एज पॉल अख्तर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।